नमस्ते, मैं हूं अंकित और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह है एम एस फिट की GTS 2 मिनी स्मार्ट वॉच। और अगर आपके पास भी एम एस फिट की वॉच है तो आप इसको चार्ज करने के लिए आप कोई भी चार्जर यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी ये पता किया, मेरे इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि आप कोई भी चार्जर यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके साथ। इसमें सारे डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 500 mAh तक ही यूज़ कर सकते हैं, 0.5 एम्पियर तक ही मैक्स यूज़ कर सकते हैं, वरना इसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है बैटरी में। उस इंस्टाग्राम फ्रेंड ने मैसेज किया, उसकी 6 बार चेंज हो चुकी हैं वॉच बैटरी की प्रॉब्लम की वजह से। आप देख सकते हैं, मेरी तो अभी ये नई ही वॉच है, अभी एक बार ही मैंने चार्ज की है इस वन प्लस से, लेकिन ये आप इससे चार्ज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका 0.6 एम्प है, तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अभी इस एम एस फिट के कस्टमर केयर में भी मैंने बात की। कोई भी यूज कर सकते हैं वन प्लस का भी यूज कर सकता हूँ क्या अडेप्टर? सॉरी, वन प्लस का अडेप्टर यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं समझ नहीं क्या बोल रहा है। वन प्लस मेरा स्मार्टफोन है ना, उसका अडेप्टर यूज कर सकता हूँ क्या? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो नेटवर्किंग एरिया में आइए। हाँ ओके, वन प्लस का चार्जर यूज कर सकता हूँ क्या? वन प्लस यस यस, आप अडॉप्टर यूज कर सकते हैं। वेट जस्ट अ सेकंड, आई विल इन्फॉर्म यू, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड ओनली। या जस्ट होल्ड ऑन ओनली। हेलो यस सर, आपको वो वाला चार्जर वन प्लस का नहीं यूज करना है, आपको 0.5 चार्जर यूज करना है। देन अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से कर सकते हैं। पीसी से कर सकते हैं क्या? सॉरी, पीसी कंप्यूटर, कंप्यूटर से? लैपटॉप तो नहीं है, कंप्यूटर है। यस यस, हेलो यस, कंप्यूटर से कर सकते हैं आपके पास? या कर सकते हैं, अदरवाइज 0.5 वाला चार्जर आप यूज कर सकते हैं। 0.5 वाला, 0.5, इसमें इनपुट लिखा है, आउटपुट लेकिन 2 एम्पियर है। ओके, तो आप कंप्यूटर से कर लीजिए। कंप्यूटर से कर सकते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना बैटरी में? नो, आप कर सकते हैं कंप्यूटर से। ओके, थैंक यू। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 0.5 एम का चार्जर कहीं पे भी ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन में नहीं मिलता है, इतने कम एम का चार्जर। एंड जो इंस्टाग्राम का मेरा फ्रेंड है, उसने 6 बार चेंज की, उसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे चार्ज कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम है। एम एस फिट को ये देखना चाहिए कि एक परफेक्ट कोई बीच का रास्ता देखना चाहिए कि कौन सा अडेप्टर यूज़ करे और कौन सा नहीं, क्योंकि अभी तो सारे ये फास्ट चार्जर वाले ही आते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा एम्प होता है, 2 एम्प तो कम से कम होता ही है। मेरे पास तो ये पीसी है तो मैं इससे कर लूँगा, लेकिन जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो कैसे चार्ज करेंगे इस वॉच को, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एम एस फिट को देखना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने लैपटॉप से या पीसी से चार्ज कर सकते हैं, तो मैं तो अभी पीसी से ही चार्ज करूँगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 0.5 एम्प है, शायद मैं इससे चार्ज कर सकता हूँ लेकिन कंफर्म नहीं है। मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी एम एस फिट के कस्टमर केयर में ये फ़ोटो भेजी है, अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो मैं इससे ही चार्ज करूँगा। एंड ये MI का है, इसमें शायद कितना एम्प का होगा, इसमें उससे भी कम है, इसमें 0.35 एम्प है, तो शायद इससे मैं कर सकता हूँ इन दोनों से।
लेकिन वन प्लस से नहीं कर सकता। तो ये एक जानकारी आपको देनी थी, अगर आप वन प्लस से या उससे ज़्यादा से चार्ज करते हैं तो आपके वॉच में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने वॉइस वो कॉल भी रिकॉर्ड किया है, वो भी आप सुन सकते हैं, एंड सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। एंड आप कंफर्म तो हैं तो आप लैपटॉप से तो चार्ज कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप लैपटॉप से आराम से कर सकते हैं, लैपटॉप में तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चार्जर में आपको देखना पड़ेगा कितने एम्प का है, ये 0.5 एम्प, और यहाँ पे भी आप अपने बॉक्स पे भी देख सकते हैं 0.500 mA मैक्स लिखा है इनपुट पे। सो मैं तो पीसी से चार्ज करूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा कहा है, लेकिन देखते हैं। अभी ये मैं पीसी से कनेक्ट करके देखता हूँ चार्ज होती है या नहीं। कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है। तो एक्चुअली में पीसी से ही चार्ज करना सही रहेगा, पीसी या लैपटॉप से, इसमें बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे करेंगे तो आएगी ही आएगी प्रॉब्लम, और 0.5 एम्पियर इससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना ही सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।